नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के हाथीपुल थाना क्षेत्र में आने वाले चेतक चौराहे पर स्थित एक मोबाइल की दुकान में मालिक के होने के बावजूद भी अज्ञात चोर दिन दहाड़े दुकान से 3 मोबाइल और 4 और अलग अलग कंपनियों की सिम लेकर चुरा कर लेकर चले गए। हालांकि घटनाक्रम दुकान के सामने बनी एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि घटना दोपहर करीब 2 बजे के बाद घटित हुई, जब अचानक मालिक की आंख लग गई और नींद में होने के चलते अज्ञात चोर दुकान में घुसकर घटना को अंजाम देकर दुकान से मालिक के होते हुए 3 मोबाइल और अलग अलग कंपनियों की सिमें लेकर मौके से चले गए। हालांकि घटना के घटित होने के बाद CCTV फुटेज के साथ दुकान मालिक ने हाथीपोल थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है, जिस पर संबंधित थाना पुलिस प्रशासन CCTV फुटेज के आधार पर चोर की तलाश ही कर रही है। भैया, मेरा नाम त्रिलोक चंद मेहता है, मैं 18 सुभाष मार्ग घंटाघर रहता हूँ और चेतक पे मेरी शिवम मोबाइल के नाम से शॉप है, जहाँ मेरा मोबाइल का रिचार्ज का व्यवसाय है। कल दिन में 2 बजे के करीब मैं बैठा हुआ था और अचानक झपकी आई और कोई आया था तो मैं उसको देख नहीं सका और मैं बेहोशी की स्थिति में चला गया और कोई मेरी दुकान के अंदर घुस के और मोबाइल उठा के ले चला गया। जिसके 3 मोबाइल है, एक रियलमी, एक सैमसंग प्रो। लगभग कितने रुपए तक के होंगे ये तीनों मोबाइल? यूँ तो 30 रुपये के, 28,000 के करीब हैं। 25 से 30,000 रुपये लगभग वैल्यू है। वैल्यू इतनी है। इसके में मामला हाथीपोल थाने में दर्ज करवाया है, रिपोर्ट भी दे के आया हूँ और MI नंबर वगैरह सारे उनको दिए हैं, फ़ोन नंबर दिए। चारों सिमें थी मेरी, रिचार्ज की वजह से मेरे पास 4 सिमें थी, BSNL की थी, एयरटेल की थी, जियो की थी और वोडाफोन की थी। चारों ही सिमें और तीनों मोबाइल उठा के वो लेके गया है। और एक 3 मोबाइल जी, तो उसका क्या CCTV वगैरह? हाँ, CCTV मेरे सामने दुकान है, श्री राम कोल्ड हाउस, उसके CCTV में उसमें फुटेज है, उसमें फुटेज भी दिख रहा है, उसमें व्यक्ति दिख रहा है, उसमें व्यक्ति दिख रहा है, साफ नहीं आ रहा, व्यक्ति तो दिख रहा है। क्या अगर उसको इलाज करके देखेंगे तो पता चल जाएगा।